अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हो प्राइम पोस्ट का डेली सपोर्ट्स बुलेटिन तौसीफ रहतर के साथ। अब पहले रुख करते हैं जम्मू की तरफ। जम्मू में आज वॉलीबॉल के ट्रायल्स हुए, जहां पे करीबन 200 बच्चों ने इन ट्रायल्स में हिस्सा लिया। ये थे कुछ अपडेट्स जम्मू से। अब रुख करते हैं चिनाब वैली की तरफ। चिनाब वैली में भद्रवा क्रिकेट क्लब ने T20 टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया था और कल क्वार्टर फाइनल खेला जाएगा मसूद बिल्यूज वर्सेस हिल्स व्यू राजौरी के दरमियान। अब रुक करते हैं कश्मीर डिवीजन की तरफ। कश्मीर में आज मुख्तलिफ जगहों पे टूर्नामेंट चल रहे हैं और जिसमें खास बिजबिहारा प्रीमियर लीग चल रही है, तो वहाँ पे आज दो मैचेस खेले गए। जो पहला मैच जीता तो वो सपोर्ट्स क्लब बिजबिहारा ने जीता और दूसरा मैच FCC बिजबिहारा ने जीता। और हसनपुर प्रीमियर लीग T20 टूर्नामेंट जो चल रहा है, तो वहाँ पे आज जो मुकाबला खेला गया, तो वहाँ पे BS सपोर्ट्स ने अपनी जीत दर्ज की। अब रुक करते हैं नॉर्थ कश्मीर की तरफ। नॉर्थ कश्मीर में अंदरगाम T20 टूर्नामेंट जो चल रहा है, तो वहाँ पे आज खेले गए मैच में 11 ब्रदर्स ने अपनी जीत दर्ज की। अब रुक करते हैं सोपोर की तरफ। सोपोर में आज जो T20 टूर्नामेंट सोपोर कप चल रहा है, तो वहाँ पे खेले गए मैच में आज अरवत 11 ने अपनी जीत दर्ज की। अब बात करेंगे दीगर खेलों की। आज यूथ सर्विस सपोर्ट्स अनंतनाग ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, अच्छाबल से लेके दयालगाम तक 80 बच्चों ने पार्टिसिपेशन की। साइकिल रेस हुई, तो वहां पे जो पहले 3 पोजीशन जिन बच्चों ने हासिल की, तो उनमें मेडल्स तकसीम किए गए। और मार्शल आर्ट का एक इवेंट वेरीनाग में ऑर्गेनाइज किया, 3 दिन का इवेंट है ऑर्गेनाइज किया गया वहाँ पे, तो उसमें करीबन 200 बच्चों ने हिस्सा लिया। आप बने रहे प्राइम पोस्ट के साथ। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।